आतंक खत्म कर दे सिंह तो सबसे बढ़िया मान जाए अगर आज जाता है वो विचार से अगर आज नहीं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, मैं आकाश देवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है और ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं बदलापुर में, और बदलापुर में जानते हैं कि बदलापुर की जनता क्या चाहती है, इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन से प्रत्याशी को इस बार आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है दादाजी आपका, क्या नाम है आपको? आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ हाँ जी। चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव जितनी देर से सबसे बढ़िया में हर चीज देख रेख करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो चुनाव में नहीं, लोकसभा का चुनाव है। हाँ वो है। लोकसभा में आपको इस समय सांसद कौन है जानते हैं? ना ही हमें नहीं सुना। सांसद इस समय श्याम सिंह यादव हैं, कभी आपको दिखे वो? ना ही दिखाने तो ना है। हाँ? दिखाने तो ना है। तो जो जो सांसद आपको दिखता नहीं तो उसको उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ना दिखा तो कुछ जाए। हाँ? मोदी जैसे बातें मोदी ये सम्मत सब हित करते हैं भाई, तो ठीक है। लागत बा मोदी हित करते हैं सब कर। लागत तो भाई अब गरीब वर्ग की है, जनाता है गल्ला पाओ तो कहीं कमी जा कि नौकरी सर्विस बच्चे पढ़त है ना पावत है, ये गड़बड़ी है और तो कुछ ठीक है बाकी सब सही बा। बड़ा बड़ा काम जितना रहा सब आतंक फातंक खत्म कर दिए हैं, मंदिर बन गया जनता बटे जो जनता हाई हाई करके बहुत मर गए, ये तो बढ़िया ही है। तो आप का लागत बाटे कौन प्रत्याशी बढ़िया हो क्या है के यहाँ से आवक किया है चुनाव में? ये ना क्या बताई हमें यू के ना मालूम है राजनीति तुम कह रहे जो हमेशा चुनाव लड़ते हैं। धनंजय सिंह तो सबसे बढ़िया भाई, धनंजय सिंह बिना लड़े धर्मदासपुर तक इनकर क्षेत्र में निडल हर चीज का उन्हें कहते हैं। धनंजय अगर आज जाता है वो विचार से आते तो सबसे बढ़िया। आपको लगता है धनंजय सिंह क्षेत्र में बिना पद के भी काम कर रहे हैं? हाँ बिना पद का काम मिडल आता कहाँ ना कही थे धर्मदास को हमारे करीब मिडल प्राइमरी नल घरे घरे हर चीज के, तो धनंजय आ जाए देश अपने उठा के क्षेत्र गई तो सबसे बढ़िया करी है। मतलब लागत पर धनंजय सिंह ठीक है? हाँ अगर कोई पार्टी सावत है या वैसे जब रहे वही सम्मत बड़ा निक काम के ही रहे तब वो करे की चाहिए जी, बात तो यही है। ऐसे में हमारे बीच एक और दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? राम जवाहर लाल है। क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? बस वाम भैया अगर धरेंगे आज नहीं जीत जाएंगे। अच्छा ऐसे आपको क्यों लगता है? क्यों जानते हैं हम लोग उनको ना, एक बार वहाँ आए थे यहाँ जीते थे काम भी किए थे, काम बिना जीते भी कर देते हैं इसलिए हम लोग खुश हैं। मतलब आपको लगता है धनंजय सिंह अच्छे हैं नेता है? हाँ। क्या और पार्टियों में आपको कोई नहीं दिखता? नहीं दिखाने का मतलब जो है वो के भाई जो अच्छे हैं जी उनको कहा जाएगा और उसको हम करने का अच्छे गए हैं और उपाय बताए। यहाँ की जनता आप खबर टहलती हैं क्या वो चाहती है? यहाँ धनंजय चाहती है। अच्छा हाँ वो चाहती है वहाँ आ जाएंगे जीत जाएंगे। बाकी भाजपा सरकार से आपको क्या लगता है कुछ है? भाजपा सरकार बोले तो नहीं धनंजय आ जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे भाजपा वाले। अच्छा अगर धनंजय आ जाते हैं तो भाजपा वाले नहीं जीत पाएंगे, जीत पाएंगे सपा वाले कोई नहीं जीत पाएगा, धनंजय के आगे कोई किसी का नहीं जीतेगा। आपको ऐसा विश्वास है? हाँ बिल्कुल विश्वास है। वो काम किए हैं? अरे वो जेल में आप लोग जिता दिए थे, जेल में थे तब जिता दिए थे तो बाहर है। क्या आपके भी क्षेत्र में जाते हैं? अरे हमारे क्षेत्र में आए हैं कई बार। अच्छा बदलेपुर हमारे क्षेत्र है बाजार मारा मका जी बहुत है। ऐसे में आपने देखा कि हम बदलापुर में थे और हमारे बीच बुजुर्ग लोग बताए कि धनंजय सिंह अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बाकी और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आता है तो उनके आगे सब फेल हो जाएंगे। तो ऐसे में आप देखते रहिए भारत न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।